पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया में। नॉनवेज के शौकीन के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच सुंदरम अहुना मटन 11 दिसंबर से आपकी सेवा में। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड नवगछिया। लजीज एवं लज्जेदार मटन एवं चिकन के लिए अवश्य पधारें। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम। बिहार में बिगड़ी कानून व्यवस्था, दीदारगंज टोल प्लाजा पर बालू माफियाओं ने टोल कर्मी व पुलिस के जवानों को जमकर पीटा। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने विगत दिनों में मीटिंग के दौरान अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन उनके निर्देश का अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। सूबे में लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला रविवार का है, जहां राजधानी में एक टोल प्लाजा पर बालू माफियाओं ने टोल कर्मी के साथ साथ पुलिस के जवान की बुरी तरह से पिटाई की। ट्रेन में लूटपाट के दौरान दो अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस। तेलंगाना सीआरपी ने शनिवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर फतवा नदी अंतर्गत त्रिवेणी घाट पर समसपुर में इंटरसिटी एक्सप्रेस में लूट कांड से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लूट के लिए सेफ जोन बना खगड़िया। स्वर्ण कारोबारी से 15 लाख के जेवरात की लूट। खगड़िया में इन दिनों बदमाशों के लिए सेफ जोन बना हुआ है, जहां लुटेरे आराम से वारदात को अंजाम देकर भागने में सफल रहते हैं। रविवार को भी लुटेरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। शहर में मेन रोड स्थित एक ज्वेलरी दुकान में आए लुटेरे ने लगभग 15 लाख के ज्वेलरी की लूट की है। तो क्या लालू के नहीं रहने से चूक गए तेजस्वी, आरजेडी सुप्रीमो के हनुमान का दावा। बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता के करीब आकर आरजेडी की सरकार नहीं बन पाई, साथ ही साथ सुप्रीमो लालू प्रसाद के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव भी चुनाव हार गए। लेकिन हार का एक कारण वह लालू प्रसाद के जेल में रहने की कही है। भोला यादव ने कहा है कि अगर लालू प्रसाद बाहर होते तो आज परिणाम अलग होता। बिहार में मिले कोरोना के 599 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 24,72,044। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 599 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,72,044 हो गई। फिलहाल बिहार में 5,565 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। बेतिया में दूल्हे का मर्डर कर रात भर कमरे में रही दुल्हन, प्रेमी के साथ गला रेत कर मार डाला। शादी के सातवें दिन ही दुल्हन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया और उसके पति की गला रेत कर उसने खुद हत्या कर दी। हत्या के बाद रात भर सब के साथ कमरे में रही, सुबह होते ही फरार होने लगी। यह घटना बेरिया के मलाही टोला की बताई जा रही। बिहार में लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए हो रहा प्रदर्शन, इसके पहले इन राज्यों में कानून बनाने के लिए हो रही थी घोषणा। यूपी के तर्ज पर बिहार में भी लव जिहाद कानून बनाने की मांग को लेकर श्री राम सेना आज राजधानी पटना के गांधी मैदान कारगिल चौक पर प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने कारगिल चौक से जेपी गोलंबर के तक मार्च निकाला। कारगिल चौक पर पहुंचकर सड़क पर बैठकर यातायात को बाधित भी किया। भागलपुर पहुंचे सीएम नीतीश, 3000 वर्ष पुराने सभ्यता को देखने। सीएम नीतीश कुमार रविवार को भागलपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उत्खनन के दौरान मिले प्राचीन सभ्यता के अवशेष का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश का हेलीकॉप्टर गुराडीह में कामा माता स्थान के समीप बने हेलीपैड पर उतरा। मुख्यमंत्री ने स्टॉल पर सजा कर रखे पुरातात्विक महत्व के प्राचीन अवशेष का निरीक्षण किया। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052443।